महंत नरेंद्र गिरी के बाद बागम्बरी गद्दी मठ के नए महंत बने बलबीर गिरी। नमस्कार, न्यूज 10 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति तोमर। खबरों में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरबों की संपदा वाले बागम्बरी गद्दी मठ के महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के अनसुलझे रहस्यों के बीच मंगलवार को बलबीर गिरी को उनका उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। युवा सन्यासी बलबीर निरंजनी अखाड़े के उप महंत के रूप में अब तक हरिद्वार स्थित विकलेश्वर महादेव मंदिर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। मंगलवार को षोडशी पूजा के बाद दिन के 12 बजे बागम्बरी गद्दी मठ के नए महंत के रूप में बलबीर गिरी की महंती चादर विधि की रस्म अदा की गई। चादर विधि में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद ब्रह्मचारी के अलावा पंच परमेश्वर समेत कई महामंडलेश्वर और महंत मौजूद थे। तिलक लगाकर, चादर ओढ़ाकर रस्म अदा हुई। इस समारोह के साक्षी देश भर से आए संत महंत बने। महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत के आधार पर निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वर ने बलवीर को उत्तराधिकारी चुना था। महंत नरेंद्र गिरी निरंजनी अखाड़े के सचिव भी थे, लेकिन अभी उनके उत्तराधिकारी बलवीर को यह पद नहीं दिया जाएगा। दरअसल निरंजनी अखाड़े में 4 सचिव होते हैं। नरेंद्र गिरी की मौत के बाद एक पद रिक्त हो गया है। मौजूदा समय निरंजनी अखाड़े के 3 सचिवों के महंत रविपुरी, महंत राम रतन गिरी और महंत ओमकार गिरी के नाम शामिल हैं। षोडशी के बाद इस पद पर नई नियुक्ति के बारे में अखाड़े की ओर से विचार किया जाएगा। बता दें कि अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी का षोडशी आयोजन भी जाँच एजेंसियों के रडार पर है। षोडशी आयोजन में देश भर से संत महात्मा जुटे थे, ऐसे में जांच एजेंसियों की नजर भी इस आयोजन पर थी। माना जा रहा है कि सीबीआई की टीम भी गोपनीय तरीके से इस आयोजन में शरीक होने वाले की जानकारी जुटा सकती है। इस दौरान कौन किससे मिला, किसने क्या किया, क्या गतिविधियां थी, इसका भी ब्यौरा जुटाया जा सकता है। महंत के साथ साथ उन लोगों पर भी विशेष नजर रखी जा सकती है जिनकी आनंद गिरी, अध्यक्ष तिवारी व संदीप के भी लगातार संपर्क में थे। षोडशी आयोजन में भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए कड़े सुरक्षा प्रबंध भी किए गए। इस दौरान 400 से ज़्यादा जवान मठ के विभिन्न हिस्सों में तैनात किए जाएंगे। 8 थानों की फोर्स मठ के अंदर और बाहर ड्यूटी पर लगाई गई है। इसके अलावा प्लाटून PS भी मौके पर मुस्तैद है। आगे की खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज 10 इंडिया। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।